पहले कुछ अच्छे पॉइंट, फिर जो बुरे पॉइंट है, जो कठिनाई है, फिर वो बाद में पहले अच्छे गिनो। बचपन में मतलब पहाड़ों में वैसे बहुत अच्छा है, वहाँ की ताज़ी हवा हमें प्राप्त होती है, खेलने कूदने के लिए बहुत अच्छा रहता है बचपन तो हमारा। अच्छे से वहाँ के ताज़े फल, हम पहले पेड़ों में चढ़ के फल वगैरह खाते थे, सब चीज़ मतलब बहुत मौज मस्ती में बिताए हमारा बचपन। तो अच्छे तो ये हैं, और बुरे तो ये हैं कि मतलब आजकल जो ये है कि वहाँ से मतलब ज़्यादा भरण पोषण जो होता है वो पूरा नहीं चल पाता, क्योंकि आजकल के नौजवान सब ये है कि उनका जैसे पहले ये होता था कि खेती से ही सब कुछ हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है कि खेती से ही उनका गुजारा चल पाए। लोग पढ़े लिखे हैं, लोग शहर में आके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आजकल के लड़के खेती में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, क्योंकि खेती में उनका इतना अच्छा हो ही नहीं पाता कि वो लोग खेती से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाए या भोजन कर पाए, कुछ भी चीज़ें सो पाते हैं। पहले के लोग मतलब खेती से ही सब कुछ कर लेते हैं। तो अभी जो पलायन हो रहा है, तो पलायन का सबसे मुख्य कारण क्या है? पलायन का सबसे मुख्य कारण तो बेरोजगारी है, क्योंकि गांव में इतना कुछ नहीं है कि वो लोग अपना रोजगार खोलते कुछ अपना कर सके। अच्छा, गांव में कोई रोजगार नहीं है, सब लोग अपना पढ़ लिख के कोई जॉब के लिए कोई किसी भी तरीके के लिए लोग शहर में पलायन कर रहे हैं। अच्छे स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है गाँव में ऐसा ना, इसीलिए लोग आ रहे हैं। अगर गाँव में सारी सुविधा होती है तो लोग नहीं जाते। तो अब बताओ, परिवहन ट्रांसपोर्ट आने जाने में क्या परेशानी होती है पहाड़ों में? आने जाने की तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा परेशानी तो यही है जब बरसात के कारण यहाँ की सड़कें सूखे मतलब पहाड़ टूट जाते हैं, उसमें कोई भी गाड़ियाँ नहीं चल पाती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पहाड़ पूरे टूट जाते हैं, कोई पत्थर गिर जाता है, कोई मतलब इतना कि सड़कें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। किसी किसी लेडीज़ को तो ऐसा है कि गाड़ी में ही बच्चा मतलब हो जाता है रास्ते में, उनको जाने की ज़्यादा वो नहीं होता। कभी कभार तो बदकिस्मती से डेथ भी हो जाती है। हाँ, तो बहुत बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हॉस्पिटल नज़दीक नहीं है, उनको शहर में आते आते हो जाता है कई बार, तो आदमी का जब तक हॉस्पिटल पहुँचा उससे पहले ही डेथ हो जाती है। जो हमारा जौनपुर है ये पहाड़ी इलाका है, तो हमारा जौनपुर अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है कि यहाँ पे साल के 12 महीनों में 12 त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ पे पेड़ों की पूजा होती है, मिट्टी की पूजा होती है, हवा की पूजा होती है, यहाँ सब चीज़ की पूजा होती है। लेकिन अब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है तो अब क्या हो रहा है कि लोग अपनी संस्कृति भूल रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि यहाँ मतलब हमारे तो पहले इतने त्योहार होते थे, अब लोग यहाँ इतने रुके नहीं है, सब लोग अपने शहर की तरफ जा रहे हैं, तो लोग अपनी संस्कृति से लेके सारे त्यौहार भूल रहे हैं। पहले गाँव में तो कभी कुछ हर महीने ही त्यौहार होते थे, आजकल की नई पीढ़ी है सब भूल जाती है, कोई उन्हें त्यौहारों से इतना मतलब नहीं होता है, बस अपना संस्कृति भी अपना पहनाव वगैरह सारा चीज़ लोगों ने छोड़ दिया है धीरे धीरे। पहले लोग घाघरा चोली ये सब यही चीज़ पहनते थे, लेकिन अब कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं करता। तो आपका मानना क्या है कि कैसे हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, अपने जौनपुर को, अपने गढ़वाल को बचा सकते हैं? मेरा मानना ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आपकी जॉब बाहर लगती है, लेकिन आप कभी त्यौहार वगैरह में अपनी संस्कृति मत भूलो, अपने गांव में जाओ, अपने रीति रिवाज अपने पहनाव करो, अपना एंजॉय भी हो जाता है, बच्चों को भी अपनी संस्कृति बताओ कि हम ऐसे ऐसे करते थे, ये हमारा त्यौहार है। अपने त्यौहार आदमी को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपनी भाषा आदमी को कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि इसी मिट्टी में मिट्टी से ही हम जन्मे हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें आदमी को बिल्कुल अपने इससे रहना चाहिए कि भाई हम यहाँ पैदा हुए हैं तो हमारी बोलचाल भाषा क्या है, हमें किस तरीके से रहना चाहिए, हमारा पहनावा क्या है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो पहाड़ों में एक कहावत सबसे ज्यादा फेमस है, पहाड़ों में बोला जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती है। ये बिल्कुल सही बात है। आप अगर प्रैक्टिकली भी देखें तो पहाड़ों में सबसे ज्यादा नदियों का जो ओरिजिन है वो पहाड़ ही है। पहाड़ों से नदी निकलती है लेकिन वो पानी कभी भी पहाड़ों में यूज नहीं होता है। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण पानी का कोई ठहराव नहीं है, तो पानी यूज होता है प्लेन्स में होता है, यूज खेती के लिए, डैम्स के लिए, बट पहाड़ों का पानी कभी पहाड़ों के काम नहीं आता। सेम ऐसे ही है पहाड़ों की जवानी, पहाड़ों की जवानी भी पहाड़ के काम नहीं आती है। रोजगार न होने के कारण युवा लोगों को पलायन करना पड़ता है, अपने गांव से बाहर जाना पड़ता है, और पहाड़ के काम तो आ ही नहीं पाते हैं, न वो अपना काम कर पाते हैं, अब खेती से भी दूर जा रहे हैं लोग,
ना उन्हें न्यूट्रिशन मिल पाता है, बाहर की सब्जियों से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो ये जो है कि अपनी संस्कृति भूल रहे हैं, तो अब हम कुछ कदम उठाने चाहिए हमें कि हम अपनी संस्कृति कैसे बचा सकते हैं। तो अभी जैसे इन्होंने कहा कि हम भले ही शहरों में अपना जीवन यापन कर लें, लेकिन कुछ समय के लिए हमें गांव जरूर जाना चाहिए, अपने जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बुड्ढे दादा दादी हैं, उनके साथ बैठो, उनसे पूछो कि कैसा चला आ रहा है जीवन, क्या हमारे त्यौहार है, क्या रीति रिवाज है, अपना क्या पहनावा है, क्या खान पान है। क्योंकि जो हमारा खान पान था पहले था वो सबसे अच्छा था, वो पौष्टिक था। तो अब आप बताओ कि खेती के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि पहाड़ों में खेती किस प्रकार होती है और हमारा क्या फ़ायदा होता है उससे। पहाड़ों के खेत कभी प्लेन नहीं होते, वो सीढ़ीदार सीढ़ी खेत होते हैं, लेकिन वो मतलब उसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो हमें जो सब्जी निकलती है सब तरोताज़ा निकलती है। शहरों में आप देखो जो भी सब्जी आएगी उसमें इंजेक्शन लगा हुआ, कोई आपको तरोताज़ा सब्जी नहीं होती, उसमें केमिकल मिला रहता है, दिखने में तो आपको बिल्कुल अच्छी लगेगी, साफ सुथरी लगेगी, आप सोचोगे कितनी अच्छी सब्जी हमें मिली, लेकिन उसमें कितना केमिकल पड़ा है, कितना वो है, वो आपके लिए कितने घाटा के। पर वो ये है जो शहर में रहता है उनको तो मजबूरन खानी पड़ती है, लेकिन जो हम गाँव के लोग हैं, हम आलू लगा लो, गोभी लगा लो, कुछ भी लगा लो, मतलब वो हमें तरोताज़ा मिलती है, हम उसी समय उसे तोड़ते हैं, उसी समय बनाते हैं, खाते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। और गाँव में हम मतलब कभी ऐसे नहीं है कि हम कुछ बोते नहीं है, अभी भी हमने पत्ता गोभी लगाई है, शिमला मिर्च लगाई है, आलू लगाए हैं और खीरे सब सब्जी हम लगती है। ये तो बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा है हमारा।